अ रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर रोज डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द एंगल थीटा ये एंगल थीटा है और एक रफ इंक्लाइंट प्लेन है उस पर एक रिंग जो है वो ऐसे नीचे की तरफ आ रही है रोलिंग करती हुई ये आपको दिया हुआ रोल करती हुई आ रही है फ्रिक्शन फोर्स ऑन द रिंग इज क्योंकि तो यार फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और रोलिंग का केस है ये तो तय हुआ कि जब ये नीचे की तरफ आ रही होगी तो उसके वेट का एक कॉम्पोनेंट एम जी सेंथीटा नीचे की तरफ लग रहा होगा ओके okay? अच्छा जी ये जो एम जी सेंथीटा है इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा लेकिन फ्रिक्शन जो है इसके इस रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा इसके कारण इसका नेट एक्सलेशन मेरे को इस तरफ मिलेगा नीचे की तरफ ओके okay? अब रोलिंग हो रही है ठीक है अब जब रोलिंग होती है तो देखो दो तीन चीज़ें जो इस क्वेश्चन में यूज़ आएंगी पहले मैं वो वाक्य बताता हूँ एक तो जब भी प्योर रोलिंग होती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट का वो जी सैंथीटापोन वन प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर होता है अब के स्क्वायर अपोन आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अगर मैं रिंग के लिए बात करता हूँ तो वन होती है ये क्या है रेडियस ऑफ गायरिएशन आर एस रेडियस है ना अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग होती है जैसे डिस्क के लिए अगर मैं बात करता हूँ वैसे तो ये एक्सेस पर डिपेंड करती है बट अगर मैं मेन एक्सेस लेता हूँ तो उसके रेस्पेक्ट में ड्रिंक के लिए वन डिस्क के लिए हाफ एंड सॉलिड स्पेयर के लिए टू बाई फाइव होती हैं तो ये वैल्यूज़ हमको ध्यान रहनी चाहिए तो एक तो ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो मुझे बताना है कि फ्रिक्शन कितना होगा अब मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ देखो हमको पता है कि एक बॉडी अगर नीचे की तरफ आ रही है तो टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन होगा एंड टोटल फोर्स की बात करता हूँ तो एम जी सेंथेटा नीचे की तरफ है और फ्रिक्शन इसका रिलेटिव मोशन के अपोजिट है

फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया मेरे पास में एम जी सेंथीटा माइनस हाफ एम जी सेंथीटा जब इनको सेपरेट किया तो मेरे पास बचा हाफ एम जी सेंथीटा दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आपको इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए करना होना आपको सिंपली क्या करना है कि एक्सलेशन की वैल्यू बदलते रहो आप है ना अगर रिंग दिया हुआ है तो किस को अपना उसका वन रख दो डिस्क दिया हुआ है तो हाफ रख दो सॉलिड फिट दिया तो टू बाई फाइव रख दो तो बस ऑब्जेक्ट बदल बदल के आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए भी देख सकते हैं उसको बस हमेशा देख लेना क्वेश्चन करते समय कि कौन सा ऑब्जेक्ट दे रखा है, ओके इसी प्रकार के और ढेर सारे रोटेशन के तो पूरी फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखने के लिए जानने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट को और शार्प करने के लिए जुड़े रहिए ए की दुनिया पर